नमस्कार, मेरा नाम रविकांत त्रिपाठी है। मैं प्रस्तुतकर्ता की भूमिका में हूँ। क्या मैं अभी अभी HIV के संपर्क में आया? प्राथमिक HIV के लक्षण में आपका स्वागत है। क्या आप जानते थे कि कभी कभी इसको पहचानना संभव है जबकि आप कुछ समय पहले ही HIV, वह वायरस जिससे एड्स होता है, से संक्रमित हुए हैं। इसके लक्षणों जैसे बुखार, चकत्ते या रात में पसीना आना को जानकर यह पता लगाया जा सकता है कि आप जल्द ही HIV से संक्रमित हुए हैं। यह वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे प्राथमिक HIV के लक्षणों को पहचाने, जिसका अनुभव प्रत्येक 10 में से 4 से 9 व्यक्तियों में HIV से होने के तुरंत बाद किया गया। यदि आप प्राथमिक HIV का अनुभव कर रहे हैं तो डॉक्टर से मिलना और उनके निर्देशों का पालन करना और आपके यौन सहभागियों के जीवन को बचा सकता है। प्राथमिक HIV एक व्यक्ति के HIV के संपर्क में आने के कुछ हफ्तों या महीनों के दौरान होता है। दो सर्वाधिक सामान्य लक्षण हैं, चकत्ते निकलना या बुखार होना या दोनों। निम्नलिखित कुछ अन्य लक्षण भी दिख सकते हैं जो इस प्रकार हैं: कमजोरी का अनुभव, बेचैनी और थकान, भूख न लगना, वजन कम होना, गले में घाव या सूजन, मुंह में छाले पड़ना, जोड़ों या मांसपेशियों में दर्द, लसिका ग्रंथियों में सूजन। लसिका ग्रंथि छोटी गेंद की तरह ग्रंथि होती है जो आपके गर्दन, बगल, पेट और जांघ के बीच के हिस्सों या शरीर में कहीं भी हो सकती है और आपके बीमार होने की दशा में ये बड़ी भी हो सकती है। दस्त आना, थकान, रात्रि में पसीना आना, मिचली व उल्टी होना, सिरदर्द, लिंग या योनि पर या उसके आसपास चकत्ते या फुंसी होना। व्यक्ति के HIV ग्रसित होने के कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के बाद ये लक्षण दिखने शुरू होते हैं। ये लक्षण 7 से 10 दिनों के लिए दिखते हैं और बहुत ही कम मामलों में ये 2 हफ्तों से अधिक दिखाई देते हैं। यदि आप इनमें से एक या अधिक लक्षणों से ग्रसित हैं, तो क्या इसका अर्थ यह है कि आप वास्तव में HIV से संक्रमित हैं? नहीं, कई सामान्य बीमारियों में भी इस तरह के एक या एक से अधिक लक्षण दिख सकते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग जिनको सामान्य बुखार या गले में सूजन है, तो वे सामान्य बीमारियों जैसे खांसी या पीत ज्वर से पीड़ित हो सकते हैं। अतः घबराइए मत। लेकिन यदि आप इन लक्षणों में से किसी भी लक्षण से पीड़ित हैं और यदि आपको जरा सा भी ऐसा लगता है कि आपको HIV हो सकता है, जैसे संभोग के द्वारा या सुइयों का आदान प्रदान के द्वारा, भले ही उस व्यक्ति से जिसे आप HIV नेगेटिव मानते हैं, ऐसी दशा में आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और HIV परीक्षण की सलाह लें। यदि इनमें से कोई भी लक्षण आप में मौजूद नहीं है, तो क्या यह साबित करता है कि आप HIV से संक्रमित नहीं हैं? नहीं, प्रत्येक 10 में से 1 से 6 व्यक्ति जो HIV से संक्रमित होते हैं, उनमें प्राथमिक HIV के लक्षण कभी नहीं दिखते हैं। अतः अगर आपने प्राथमिक HIV के कोई लक्षण कभी अनुभव नहीं किया है, तो यह न माने कि आप HIV नेगेटिव ही हैं। जब आप इन लक्षणों से पीड़ित होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो यह जरूरी है कि आप अपने HIV पीड़ित होने के जोखिम के बारे में अवश्य बताएं, ताकि डॉक्टर आपका परीक्षण करे। यदि आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध बनाया है, सुई के माध्यम से दवाइयां ली हैं, या आप HIV के प्रारंभिक संक्रमण को महसूस कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को अवश्य बताएं। अपनी इच्छा से HIV परीक्षण कराने पर न केवल आप अपनी सहायता करते हैं, बल्कि इसे फैलने से रोकने में भी मदद करते हैं। जो व्यक्ति HIV संक्रमित होते हैं, उनके द्वारा प्रारंभिक HIV अवस्था में दूसरों को भी संक्रमित करने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इस समय HIV संक्रमित व्यक्तियों के खून में, वीर्य में या योनि द्रव्य में HIV वायरस की मात्रा सबसे अधिक होती है और वे अपने सेक्स पार्टनर या सुई साझेदार को भी तेजी से संक्रमित कर सकते हैं।
नवसंक्रमित व्यक्ति जो अपने एचआईवी की स्थिति के बारे में पता लगाते हैं अपने सहभागियों को इस बारे में सूचित कर सकते हैं और दूसरों के संक्रमित होने के जोखिम को कम कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित कीजिए। यदि आपने एचआईवी परीक्षण नहीं कराया है तो कृपया अब करवाएं। यदि आप संभोग करते हैं तो सुरक्षित संभोग करके एचआईवी संक्रमित होने के खतरे को कम कीजिए। कभी भी सुइयों का आदान प्रदान न करें और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको एचआईवी हो सकता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और एचआईवी परीक्षण के लिए कहें। मैं हूं रविकांत त्रिपाठी। धन्यवाद। नमस्कार।